दोस्तों, चीता धरती का सबसे तेज जानवर है। ये पलक झपकते ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पकड़ सकता है, किंतु आपकी एक विशेषता आपके दूसरे गुणों को कम कर देती है। पतला और हल्का शरीर होने के कारण ही चीता इतनी तेज दौड़ पाता है, किंतु ये पतला और हल्का शरीर चीता को अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में कम शक्तिशाली भी बना देता है। यही वजह है कि चीता कुलाचे मारते हुए अपने शिकार को तेजी से दौड़कर पकड़ तो लेता है, किंतु शिकार को मार डालने के लिए इसे कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यदि चीते द्वारा पकड़ी गई गजेल या इम्पाला कुछ ज्यादा ही बड़ी और ताकतवर हुई तो उल्टा चीते की ही जान के लाले पड़ जाते हैं। यहाँ इस वीडियो में ये मादा चीता कई दिनों से शिकार की तलाश में थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके छोटे बच्चे भी भूख से व्याकुल थे, इसलिए दौड़ लगाती है और एक बड़े वयस्क नर इम्पाला को पकड़ लेती है। इसके छोटे शावक भी शिकार में अपनी माँ की मदद करते दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु एक बड़े आकार का नर इम्पाला चीते से अधिक ताकतवर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके पास अपनी रक्षा के लिए करीब 3 फीट लंबे और बेहद नुकीले सींग भी होते हैं। इम्पाला अपनी बचाव में माँ चीता पर हमला बोल देता है, जिस हमले को ये कमजोर मादा चीता नहीं संभाल पाती। इम्पाला काफी दूर तक चीता को घसीटते हुए ले जाता है और इसका एक सींग इस मादा चीता के पेट को फाड़ चुका है। बेचारी ये चीता इस घायल अवस्था में अब शिकार नहीं कर पाएगी। एक अन्य वीडियो में भी आप एक घायल टांग वाले चीता को देख सकते हैं। ये भी छोटे शावकों वाली एक मादा चीता है और इसकी टांग घायल होने का सीधा अर्थ ये है कि अब ये तेजी से नहीं दौड़ पाएगी और शिकार भी नहीं कर पाएगी। मतलब ना सिर्फ ये खुद बल्कि जल्द ही इसके छोटे शावक भी भूख के चलते मारे जाएंगे। वैसे भले ही ये शावक भूख के चलते मारे जाए, किंतु चीता शावकों के लिए सबसे बड़ा खतरा शेर होते हैं। शेर अक्सर छोटे चीतों पर हमला करके इन बेचारों को मार डालते हैं। हालांकि ऐसा केवल तभी होता है जब शेर चीता के शावकों को काफी नजदीक से देख ले और पहचान ले। कुछ एक परिस्थितियों में अक्सर छोटे चीता शावकों पर दूसरे शिकारी हमला करने से कतराते हैं, जिसकी वजह है इन शावकों का हनी बेजर जैसा दिखाई देना। छोटे चीता शावकों की कमर सफेद फर से ढकी होती है और इनके नीचे का शरीर बड़े चीतों की तुलना में गहरे रंग का होता है, जिस कारण चीता के ये छोटे शावक दूर से देखने में हनी बेजर जैसे दिखाई देते हैं और अपने सरंग रूप का इन्हें बड़ा फायदा होता है। असल में हनी बेजर एक ऐसा जानवर है जिस पर हमला करने से पहले शेर को भी कई बार सोचना पड़ता है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। मान लो कभी गर्म दूध या चाय गिरने से आपके हाथ जल जाएं, तो आगे से गर्म प्याला पकड़ने में आप जरूर सावधानी बरतोगे। बस हनी बेजर को भी आप एक ऐसा ही गर्म प्याला समझ लीजिए। इस जीव के हिंसक व्यवहार का परिणाम जंगल में रहने वाले लगभग सभी जीव भुगतते रहते हैं, इसलिए सभी जीव हनी बेजर से सावधान भी रहते हैं, फिर चाहे वो जीव शेर ही क्यों ना हो। असल में हनी बेजर की त्वचा बहुत ही मोटी और मजबूत होती है, इसलिए किसी बड़े शिकारी द्वारा इसे काटने का प्रयास अक्सर असफल ही रहता है। वहीं अपने सुई जैसे नुकीले दांतों से हमला करते हुए हनी बेजर एक साथ कई शेरों को भी खदेड़ देता है। अब जाहिर है कि हनी बेजर जैसे खतरनाक जानवर का डुप्लीकेट होने का फायदा चीता के शावकों को जरूर मिलता होगा। चीता के छोटे शावक करीब 6 महीनों तक हनी बेजर जैसे दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद इनके कमर के ऊपर मौजूद सफेद बाल उतर जाते हैं और एक चीता शावक चीतो जैसा ही दिखाई देने लगता है। दोस्तों, भले ही चीता के छोटे शावक हनी बेजरों जैसे दिखाई दे, किंतु इसके बावजूद भी चीता के सिर्फ 17% शावक ही बड़े हो पाते हैं और बाकी के 83% किसी बीमारी के कारण या अक्सर शेरों का शिकार बनकर मारे जाते हैं। यदि कोई बड़ा चीता भी शेरों की पकड़ में आ जाए तो शेर उसे तुरंत मौत के घाट उतार देते हैं, और यदि वो चीता मादा हो और उसके आसपास उसके शावक भी हों, तो बेचारे उन मासूम शावकों के साथ भी वही हश्र किया जाता है। यदि हम चीता के शावकों को गौर से देखते हैं तो इनसे मासूम और प्यारा जीव कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, और शेरों को इतने छोटे चीता शावकों से कोई खतरा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी शेर इन्हें मार डालते हैं क्योंकि शेर चीतों से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि मौका मिलने पर बड़े चीता भी शेरों के शावकों को मारने से पीछे नहीं हटते। शायद इसलिए शेर भी चीता के शावकों को मारकर अपना बदला पूरा कर लेते हैं। शायद आपको लगता होगा कि बदला लेने की भावना केवल इंसानों में ही होती है, किंतु ऐसा नहीं है। बदला लेना जानवर भी भली भांति जानते हैं। हमारे ही देश के महाराष्ट्र में बंदरों द्वारा बदला लेने की एक अजीब घटना देखी गई थी।
महाराष्ट्र के भीड़ जिले के माजल गांव में बंदरों के एक समूह ने बदला लेते हुए एक या दो नहीं बल्कि करीब 250 कुत्तों को मार डाला था। ग्रामीणों के मुताबिक बंदरों ने कुत्तों से बदला लेने का सिलसिला तब शुरू किया जब कुछ कुत्तों ने मिलकर एक बंदर के बच्चे को मार दिया था। इस घटना से बंदर खफा हो गए और उन्होंने बदला लेने के लिए एक एक करके कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। बंदर कुत्ते को देखते ही मिलकर हमला करते एवं कुत्ते को पकड़कर घसीट ले जाते। उसके बाद उस कुत्ते को पेड़ या छत पर ले जाकर नीचे गिरा दिया जाता जिससे बेचारा कुत्ता मारा जाता। सोचे सिर्फ एक बंदर की मौत का बदला लेने के लिए इन बंदरों ने 250 कुत्तों को मार डाला। ऐसा अनोखा बदला तो कभी किसी इंसान ने भी नहीं लिया होगा। बाद में वन विभाग की टीम ने करीब एक दर्जन बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ा लेकिन तब तक बंदरों ने गांव के लगभग सभी कुत्तों को मार डाला था। वैसे शेरों के अंदर चीतों को मार डालने की भावना सिर्फ बदला लेने के लिए ही पैदा नहीं होती अपितु ये सब इलाके और प्रभुत्व का खेल है। शेर इसी तरह से तेंदुओं को भी मारते हैं और लकड़बग्घे आदि को भी। असल में आपके इलाके में आपके प्रतिद्वंदी जितने कम होंगे आपका जीवन उतना ही बेहतर और आसान हो जाएगा। किंतु चीतों के जीवन से एक और समस्या जुड़ी है। अनेकों बार इन बेचारों का शिकार भी छीन लिया जाता है। चीते द्वारा शिकार करने के प्रयास लगभग तेंदुओं जितने ही सफल होते हैं। चीता जहां दौड़ लगाने में माहिर है वहीं तेंदुआ घात लगाने में। किंतु ताकतवर तेंदुआ अक्सर शिकार करते ही अपने शिकार को लेकर पेड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है जहां यह अपने शिकार को सुरक्षित बैठकर खा सकता है। किंतु चीते पेड़ों पर चढ़ने में उतने माहिर नहीं होते जिस कारण इन्हें अपना शिकार जमीन पर ही खाना पड़ता है और जमीन पर शेर एवं लकड़बग्घों के साथ साथ तेंदुए भी चीतों का शिकार छीनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। दोस्तों अन्य शिकारियों द्वारा शिकार छीन लेने और मारे जाने के कारण आज चीता बड़ी बिल्लियों की एक ऐसी प्रजाति के रूप में जाना जाता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा गंभीर रूप से लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। पूरी दुनिया में चीते केवल अफ्रीका में ही बचे हुए हैं और इनके लुप्त हो जाने के खतरे को ध्यान में रखकर ही कुछ चीतों को अफ्रीका से लाकर भारत में बसाए जाने की कोशिशें भी लंबे समय से चली आ रही हैं। भारत से चीतों को विलुप्त हुए 7 दशक से ज्यादा बीत गए हैं और अभी तक चीतों को वापस भारत में लाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई हैं। यदि चीते भारत में आते हैं तो किसी शिकारी जानवर का यह दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण होगा। यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर पहली बार किसी शिकारी जानवर को दोबारा बसाने की कोशिशें की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 200 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। भारत में चीता पुनर्वास को मध्य प्रदेश के घास के मैदानों के संरक्षण के रूप में भी देखा जा रहा है। ये घास के मैदान कई अन्य प्रजातियों के घर हैं लेकिन पिछले कुछ दशकों से यहाँ घास चरने वाले जानवरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यदि चीता भारत लाया गया और मध्य प्रदेश के इन घास के मैदानों में चीता छलांगे भरता है तो निश्चित तौर पर इन मैदानों में फैले जानवरों की खाद्य श्रृंखला में संतुलन बन जाएगा। वैसे चीता के आते ही भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश भी बन जाएगा जहाँ बड़ी बिल्लियों की सभी प्रजातियाँ यानी शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ भी पाया जाता है। जीव विविधताओं के रूप में ये हमारे पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चीतों के लंबे कदमों वाली तेज रफ्तार से लेकर उनके व्यक्तित्व तक हरेक गुण इन्हें दिलचस्प शिकारी बनाता है। चीते एकमात्र ऐसी बड़ी बिल्ली भी हैं जो शेर या बाघों की भांति दहाड़ती नहीं बल्कि छोटी बिल्लियों की ही भांति म्याऊं जैसी आवाज निकालती है। जहां बिल्लियों की सभी प्रजाति रात में अधिक सक्रिय होती हैं वहीं चीते केवल दिन में ही शिकार करते हैं। जहां सभी बिल्लियां अपनी बड़ी मांसपेशियों और जबड़े की ताकत के दम पर शिकार करती हैं वहीं छरहरे शरीर और छोटे जबड़े वाले चीता शिकार के लिए अपनी गति पर निर्भर करते हैं। यानी कुल मिलाकर अन्य बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों की तुलना में चीता कहीं अलग और विशेष जानवर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।